व्हाट्स अप गाइस, डिज्नी फॉक्स डील के बाद मार्वल के पास अपने सभी कैरेक्टर्स के राइट वापस आ गए हैं और तब से सभी फैंस इसी इंतजार में है कि कब मार्वल इन कैरेक्टर्स को एमसीयू में लाएगा और डेडपुल भी इन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है। डिज्नी फॉक्स डील के बाद कई बार ये न्यूज सामने आई कि मार्वल डेडपुल पर काम कर रहा है। इसी बीच डेडपुल एक्टर रैन रेनोल्ड ने मार्वल के साथ मीटिंग भी की, लेकिन अभी तक ऑफिशियली डेडपुल पर कुछ नहीं कहा गया है और आज हम डेडपुल पर ही डिस्कस करेंगे कि क्या डेडपुल एमसीयू में आएगा और आएगा तो कैसे आएगा। तो फॉक्स ने डेडपुल पर दो मूवीज बनाई, दोनों आर रेटेड होने के बावजूद भी ब्लॉकबस्टर रही और ये मुमकिन हुआ एक अच्छी स्टोरी लाइन और रैन रेनोल्ड की अच्छी एक्टिंग से। अब मार्वल इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को छोड़ेगा तो नहीं, तो अगर मार्वल डेडपुल पर मूवी बनाएगा तो ऑब्वियसली उसमें रैन रेनोल्ड होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात डेडपुल का आर रेटेड होना है, क्योंकि मार्वल डिज्नी की वजह से आर रेटेड मूवी नहीं बनाता और अगर डिज्नी आर रेटेड मूवी बना भी ले तो डेडपुल एमसीयू में फिट नहीं होगा, क्योंकि क्रॉसओवर मूवीज में और सभी कैरेक्टर PG-13 रहेंगे और अकेला डेडपुल आर रेटेड होगा और सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा सभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो यहाँ मार्वल डेडपुल को एमसीयू में एक अलग कॉर्नर दे सकता है जहाँ डेडपुल क्रॉसओवर मूवीज से दूर रहे लेकिन अपनी सोलो मूवी में आर रेटेड रहे। साथ ही वो एमसीयू की मूवीज में छोटे छोटे कैमियो भी दे सकता है जैसे कॉमिक्स में डेडपुल कई बार करता है। ऊपर से डेडपुल फोर्थ वॉल को क्रॉस कर सकता है, यानी वो जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसलिए वो कई बार कैमरे में देखकर भी बात करता है। तो इस वजह से डेडपुल मूवीज के बीच में हमें कुछ कहानी या जोक्स मार सकता है, लेकिन मार्वल चाहे कुछ भी करे लेकिन फैंस डेडपुल को आर रेटेड ही पसंद करेंगे। अब अगर मार्वल का डेडपुल आर रेटेड हुआ तो उसे एमसीयू में इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि डेडपुल को रिबूट नहीं किया जाएगा बल्कि सीधे उसे डेडपुल 3 मूवी दे दी जाएगी। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि फॉक्स का डेडपुल एक्समैन के साथ कनेक्टेड था, जहां एक्समैन के कैरेक्टर्स भी डेडपुल के साथ मूवीज में दिख चुके हैं, साथ ही डेडपुल 2 की एंडिंग जहां उसने बहुत सारे इवेंट बदल दिए थे, तो इन सब से हो सकता है कि डेडपुल से पहले हमें एमसीयू में एक्समैन दिखे ताकि डेडपुल को एक्समैन की स्टोरी लाइन में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। हालांकि मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल से भी डेडपुल को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ऊपर से डेडपुल 2 मूवी में जिस तरह का टाइम ट्रेवल दिखाया गया है वो एंड गेम से बिल्कुल अलग था, क्योंकि अगर डेडपुल एमसीयू में होता तो वो अकेला ही थैनोस की सारी उंगलियां काट देता। खैर अब एक ही यूनिवर्स में दो तरह का टाइम ट्रेवल तो मुमकिन नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल डेडपुल के कैरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव छेड़छाड़ जरूर करेगा। हालांकि अगर डेडपुल को मल्टीवर्स से लाया गया तो काम कुछ आसान हो सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स से कई तरह के डेडपुल एक ही यूनिवर्स में हो सकते हैं। तो मार्वल डेडपुल के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकता है और जैसा हम जानते हैं कि मार्वल हमेशा ही फैंस को सरप्राइज करता है और डेडपुल के साथ भी मार्वल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही करेगा। हम फैंस के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि एमसीयू में भी रैन रेनोल्ड ही डेडपुल को प्ले करेंगे। हालांकि अगर आपके पास में कोई डिटेल है डेडपुल 3 से रिलेटेड तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।